अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। इन दिस वीडियो इंशाल्लाह वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम मई जून 2023 पेपर वन वेरिएंट वन। प्रीवियस वीडियो में भी हमने मई जून 2023 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये भी वही सेम पेपर है। वी हैव टू मोर क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। लेट्स जस्ट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे ना, जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स मिलते थे, यू हैव टू ऐड देम, सबट्रैक्ट देम, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है हमारे पास। द क्वेश्चन सेज द मास ऑफ प्लैनेट सैटर्न इज 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 26 किलोग्राम। द मास ऑफ द प्लैनेट वीनस इज 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। कैलकुलेट द डिफरेंस इन मास बिटवीन सैटर्न एंड वीनस। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अपना आंसर जो है ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही देना है, अगर आप नहीं दोगे तो आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, चूंकि ये विदाउट कैलकुलेटर है तो वी हैव टू डू सम वर्किंग, हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, हमें वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दो नंबर्स होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस पूछा है तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम। और अगर मैं पावर को देखूँ तो क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये 26 जो है ना, ये जो है वो बड़ी पावर है, क्योंकि ये भी डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल से पहले एक नंबर है, यहाँ भी डेसिमल से पहले एक नंबर है, तो ये 26 है, ये 24 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 26 पावर वाला जो है ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो हमेशा डिफरेंस जो है वो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं। यहाँ से ये बोला कैलकुलेट द डिफरेंस इन मास, तो अब जो है मुझे सबसे पहले जो है वो इस तरह लिखना पड़ेगा कि सिंस 5.7 इज़ द बिगर नंबर, तो मैंने 5.7 लिखा, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 26। अच्छा, इसको पढ़ने का ना एक और भी तरीका है, 5.7 एक्सपोनेंट 26, तो उससे भी जो है ना वो इसको जो है वो रीड किया जा सकता है। 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 26, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ इस तरह, और आई हैव टू फाइंड द डिफरेंस, तो मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24। अब ये आपको पता है ऐसे तो सब्ट्रैक्ट होते नहीं है, यू हैव टू मेक द एक्सपोनेंट सेम, आपको इसका एक्सपोनेंट सेम करना पड़ता है, उसके बाद फिर कॉमन लेना पड़ता है और फिर जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक साइड पर 26 है, एक साइड पर 24 है, तो मुझे चूंकि कॉमन लेना है तो इसका मतलब है कि मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो छोटी पावर होती है ना उसको कॉमन ले लिया करो, तो ये जो है ना 10 टू द पावर 24 चूंकि छोटी पावर है तो आपने डायरेक्टली उसको इस तरह कॉमन ले लिया 10 टू द पावर 24, और जो बाकी बचा फिर आप वो ब्रैकेट में लिखोगे इस तरह। अब आपको थोड़ा सा गौर से देखना है कि भाई बचा क्या है बाकी। अब यहाँ जो है वो 5.7 है वो तो बचा ही बचा है, सही है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ एक्सपोनेंट था 26, हमने कॉमन क्या लिया 24, तो बचा कितना, तो पावर 2 बची, तो फिर यहाँ तुम्हें ये चीज़ इस तरह लिखनी पड़ेगी कि 5.7 10 टू द पावर 2, क्योंकि ये चीज़ यहाँ बची है, सही है, 5.7 के अलावा भी यहाँ चीज़ बची है, उसके बाद माइनस का साइन आ गया, और सिंस यहाँ से तो मैं 24 कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ जो है वो 4.9 स्ट्रेट आ गया इस तरह। अब मुझे 5.7 को जो है वो 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 2 कितना होता है, 10 टू द पावर 2 इज़ बेसिकली 100, ठीक है। 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 100 होता है, तो इसका मतलब है ये 100 है, और जब मैं इसको 5.7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ तो वो दो डेसिमल प्लेस मेरे आगे शिफ्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा 570, ऐसे ही है ना, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको डेसिमल शिफ्टिंग आती है, तो 5.7 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल दो प्लेस शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ और ये 570 बन जाएगा। 570 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4.9, अब ये देखो डेसिमल सब्ट्रैक्शन भी आ गई इधर, और जो बाकी बचेगा वो बिल्कुल आप उस तरह जैसे ब्रैकेट में हम लिखते हैं उस तरह लिख देंगे, एंड देन दिस मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 24, इसको नहीं बोलना ये तो बाहर है, सही है। अब आते जल्दी से देखते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपने बड़ा नंबर लिख लिया ऊपर, तो दिस इज 570, आपने लिखा 570। अब आपको पता है कि जब डेसिमल जो है वो हमें नज़र नहीं आता तो इसका मतलब है कि हमारे नंबर के बाद में डेसिमल होता है, तो डेसिमल यहाँ पे, सही है। अब उसके बाद आपको 4.9 लिखना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, सही है, 9 इधर आ जाएगा और 4 जो है वो बिल्कुल डेसिमल के बाद आ जाएगा इधर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यू हैव टू राइट अ ज़ीरो, आपको टॉप पे 0 लिखना पड़ेगा और फिर आपने माइनस करना शुरू करना है। अब 0 में से 9 जो है वो नहीं आ सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यू हैव टू बोरो, अब उसको बोरो करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा, मैंने 7 से एक बोरो कर लिया,
अब जब यहाँ 6 हो गया तो यहाँ एक आगे जाएगा और ये 1 0 10 बन जाएगा। लेकिन अब मुझे आगे एक लेके जाना है और, तो मैं इसको कट करूंगा, भी ये 10 नहीं बचेगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ से भी एक बोरो कर लूंगा। समझ रहे हो? देखो भाई, ये था 7, मुझे बोरो करना है। तो अब 0 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आई हैव टू बोरो इट, मुझे कुछ कुछ लेना पड़ेगा बराबर से। अब बराबर में भी 0 है, वहां से भी कुछ नहीं ले सकता, तो अब मैं फिर 7 के पास से आऊंगा। तुम 5 से भी लेके जा सकते हो, लेकिन जब 7 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 7 के नीचे तो ये तो बड़ा ही नंबर है, तो यहाँ से आप एक ले सकते हो बिल्कुल। तो आपने 7 को कट किया, 6 लिखा, अब यह जो है वो 1 आगे चला गया, 1 0 10 बन गया ये। अब ये 10 से मुझे चाहिए ना एक, मुझे और आगे लेके जाना है ना, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल तो यहाँ था, मुझे यहाँ 1 लाना है। तो मैंने क्या करना है, 10 में से यहाँ से इसको काट के 10 में से 9 लिख दिया, अगेन 1 चला गया, अब ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1 हो गया। ठीक है, डेसिमल आपने यही लगा दिया नीचे, बिल्कुल एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल आ जाता है। उसके बाद 9 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 5, आपको 5 मिल जाएगा। उसके बाद 6 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो ये 6 एज इट इज आ जाएगा और फिर 5 भी एज इट इज आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, 565.1। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे लिख लिया कि भाई 565.1, और चूंकि इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10^24 थी, तो मैंने आगे इस तरह लिख दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा स्टार्टिंग का नंबर होता है वो जो है वो 1 और 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, ये तो 565 है। तो इसका मतलब है मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा 2 प्लेस, तो मुझे जो है वो यहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लाके छोड़ूंगा फिर ये 56 हो जाएगा, ये तो बड़ा नंबर है, तो मुझे अपना डेसिमल जो है वो यहाँ तक लाना पड़ेगा, ये मेरा नंबर बन जाएगा 5 पॉइंट। ठीक है, दिस विल बी 5.651। अब चूंकि मैं डेसिमल को 2 प्लेसेस लेफ्ट पे लेके गया हूँ, तो मेरी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने ये चीज़ याद की थी कि जब जो है आपका डेसिमल राइट पे जाता है तो पावर रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जब वो लेफ्ट पे जाएगा, चूंकि यहाँ मैं लेफ्ट पे लेके गया हूँ ना अपने डेसिमल को, मेरा जो ओरिजिनल डेसिमल था वो इधर था, और मुझे इस नंबर को छोटा करना था, मुझे 10 से छोटा करना था इस नंबर को, तो मैंने इसको शिफ्ट किया, 1 प्लेस इधर आ गया और 1 प्लेस इधर आ गया। ठीक है, तो ये 2 प्लेसेस मैंने शिफ्ट किया, मैं 2 प्लेसेस गया हूँ लेफ्ट पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं 2 ऐड कर दूंगा, तो 24 और 2 जो है दैट विल बी 26। तो द फाइनल आंसर इज बेसिकली 5.651 × 10^26 हो जाएगा, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये आपने यहाँ लिख देना है आंसर स्पेस में। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग थी। इसमें हो सकता है कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि तो मैं थोड़ा सा समझा रहा था, इसलिए मैंने जो है वो डिटेलिंग की है, सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, तो 2 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग काफ़ी है। बस ये याद रखना कि ट्रिक ये है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना होता है ना, तो यू हैव टू टेक समथिंग कॉमन। 26 था, यहाँ 24 था, तो मैंने 24 कॉमन ले लिया। छोटी पावर को जो है वो हमेशा आप कॉमन ले लिया करो, उसके बाद जो बचा उसको सिंप्लीफाई करो, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द फाइनल आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन है कि योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो द फाइनल आंसर इज द डिफरेंस इन मास बिटवीन प्लैनेट सैटर्न एंड प्लैनेट वीनस इज 5.651 × 10^26 किलोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू शेडेड एरिया। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे कह रहा है द डायग्राम शोज 2 रेक्टेंगल्स। अब इस रेक्टेंगल्स में भी उसने जो है ना वो सिमिलर फिगर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो रेक्टेंगल ए बी सी डी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो वो जो सिमिलर फिगर्स थे जो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर जो फिगर्स का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ यूज हो सकता है बिल्कुल। ए बी इज 12 सेंटीमीटर, बी सी इज 9 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया ये नजर आ रहा है तुम्हें। शेडेड एरिया जो है ना वो ये बड़ा रेक्टेंगल है और ये छोटा रेक्टेंगल है, इसके बीच का एरिया शेडेड है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 तरीकों से सॉल्व हो सकता है, तो इसको मैं जो है ना दोनों तरीकों से तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। दोनों मेथड से इंशाल्लाह आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। पहले हम जो है वो थोड़ा सा लेंदी तरीका जो है उससे सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं काम ये करता हूँ कि पहले सिंपल अप्रोच जो होती है, ठीक है, सिंपल अप्रोच क्या है, आई हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इज बिटवीन द 2 रेक्टेंगल्स। तो मैं काम करता हूँ, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे मेरा शेडेड एरिया मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं बड़े वाले का एरिया तो निकाल सकता हूँ, छोटे वाले का नहीं निकाल सकता, क्योंकि छोटे वाले में मुझे सिर्फ 1 साइड गिवन है। ठीक है, तो ये मतलब अगर 8 ये है तो ये भी 8 हो जाएगी, लेकिन मुझे इसका कोई काम नहीं है, एरिया निकालने के लिए मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो ये मुझे जो है वो नहीं गिवन। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट दिस साइड, पहले मैं ये वाली साइड फाइंड करता हूँ, उसके बाद मैं दोनों रेक्टेंगल के एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आई विल गेट माई आंसर। तो पहले मैं काम ये कर लेता हूँ कि बड़े वाला जो रेक्टेंगल है ना उसका एरिया निकाल लेता हूँ।
ये बेसिकली कौन सा है, एबीसीडी है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ एरिया ऑफ, ये है रेक्टेंगल, तो मैंने रेक्टेंगल का सिंबल बना देना इस तरह, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, आपको पता है एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, इसकी लेंथ है मेरे पास 12 और इसकी विड्थ है 9, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आएगा, और 120 में अगर आप तुम 12 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 108 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि 108 जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में थी तो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बड़े वाले का एरिया तो आ गया मेरे पास। अब छोटे वाले के लिए पहले मुझे साइड फाइंड आउट करनी है, उसने कहा है ना ये सिमिलर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेशियोज़ यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सिमिलर फिगर्स जो होती हैं और उसमें रेशियोज़ जो है वो कांस्टेंट होते हैं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, रेशियो फाइंड आउट जो है वो रेशियो से इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेता हूँ इस रेक्टेंगल की, तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लेने होते हैं, तो अगर ये ए बी है, ठीक है, तो मैं जो है वो पी क्यू को ले लेता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए बी 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, आसान तरीका ये करते थे कि जो फाइंड करना होता है ना उसको पहले ऊपर रखते हैं, तो ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है ना, तो मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ, सही है ना, तो मैं एक्स से स्टार्ट करता हूँ अपना रेशियो, तो उसमें आसानी होती है कि फिर जो है ना वो तो उसको सब्जेक्ट बनाने में इजी होता है, तो एक्स ले लिया मैंने, एक्स को अब मैं डिवाइड करूंगा, एक्स के साथ 9 है तो एक्स अपॉन 9 हो गया इक्वल्स टू एक्स अपॉन 9 एंड देन इक्वल्स टू 12 हो गया और 8 हो गया, क्योंकि मैंने x पहले लिया तो मैं 8 पहले लूँगा, ठीक है, तो 8/12 ले लेता हूँ, तो ये 8/12 हो गया, x को सब्जेक्ट बनाऊँगा, 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 8 को 9 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड देन होल आंसर डिवाइडेड बाय 12, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, तो आई हैव टू सिंप्लीफाई ऑल बाय माई सेल्फ, तो ये 4 2 8 हो जाएगा और 4 3 जो है ये 12 हो जाएगा, और 3 टाइम्स 1 इज 3 एंड 3 टाइम्स 3 इज 9, तो 3 और 2 बचा बस, तो 3 2 6 हो गया, सही है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ बोल लो विड्थ बोल लो 6 आ गई, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गया, एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ जल्दी से, तो मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ, अब मुझे किसका एरिया फाइंड आउट करना है, मुझे एरिया ऑफ मेरे पास है रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, सही है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस जो है वो मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ, उसके लिए भी सिंस दिस इज़ अ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, तो लेंथ इसकी जो है वो 8 आ गई, सही है, इज इक्वल्स टू 8 आ गई और वो 6 आ गया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 8 6 48, तो ये मेरे पास जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया इसका, 8 टाइम्स 6 इज 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना ये पी क्यू आर एस का एरिया आ गया। अब मुझे चूंकि शेडेड एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सही है, 108 में से शेडेड एरिया को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू बड़ा वाला एरिया कितना है 108 है, और छोटा वाला जो एरिया है वो है 48, सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 और 8 ख़त्म हो जाएंगे, और 100 में से जब मैं 40 माइनस करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 60, तो शेडेड एरिया इज बेसिकली 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया मेरे पास जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर चूंकि ये सिमिलर फिगर्स हैं तो हम एरिया ऑफ सिमिलर फिगर वाला जो फॉर्मूला था A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर, उससे भी तो जो है वो एरिया फाइंड आउट कर सकते थे स्मॉलर रेक्टेंगल का, तो बिल्कुल उससे भी करके देख लेते हैं, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, A1/A2, तो A1 मुझे फाइंड करना है एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि A1 जो है वो मैं इसको A1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये मेरा A1 हो गया और ये मेरा A2 हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल, सही है, तो A1 और A2 इस तरह कर लिया मैंने, A1 मुझे फाइंड करना है तो A1 ऊपर आ गया, A2 के लिए मुझे A2 पता है, A2 कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो 108 आ गया, सही है, और इज इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर होता था, तो L1 कितना ले लूँ, चूंकि मैंने ऊपर एरिया छोटे वाले का लिया है तो L1 जो है वो मैं 8 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8/12
और बड़े वाले की नीचे लेंथ 12 है, तो 8/12 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर लगाना मत भूलना क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। अब जल्दी से जो है वो एरिया फाइंड आउट करो। एरिया हमारे पास कितना आ रहा है, A1 इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास टू, ये 4 2s हो जाएगा और ये जो है वो 4 3s हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो दिस विल बी 4, और ये 4 हो गया ना, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और फिर यहाँ जो है वो 108 ऐसे ही आ गया। सही है, और 108 आ गया। जल्दी से अब मैं जो है वो इनको रिड्यूस करता हूँ। 108 बिल्कुल वो 9 के टेबल में हो जाएगा, 9 टाइम्स 1 इज 9, और यहाँ भी जो है वो 9 वन 9 कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर ये 18 हो जाएगा, तो 9 2 18 हो गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, जैसे पहले वाले मेथड से आया था बिल्कुल इससे भी इसी तरह आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जल्दी से अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे शेडेड एरिया चाहिए, तो शेडेड एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, 108 तो पहले वाले का एरिया है, 108 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया 48, बिल्कुल जैसे पहले आंसर आ रहा था, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही आंसर आ रहा है, तो माई फाइनल आंसर इज अगेन द सेम, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों मेथड्स जो है वो ईजी हैं और मेरे ख्याल से सिमिलर वर्किंग ही हुई है, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम कोई भी मेथड यूज़ कर लो, बस ये जो एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स वाला फॉर्मूला है इसमें स्क्वायर लगाना ना भूलना, वरना आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। तो दैट वाज द 2 क्वेश्चंस। अभी मैं और जो है वो देखता हूँ, इंशाल्लाह अगर और मुझे क्वेश्चन मिले तो मैं उनकी भी वीडियो तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल है, और बाकी इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।